हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम रमेश चंद्र साह के द्वारा लिखी गई डायरी अकेला मेला के ऊपर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो अकेला मेला है, उनके द्वारा लिखी डायरी है, जो UPHESC का सिलेबस है उसके अंतर्गत जो है ये दिया गया है। तो आज इसी विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले, अकेला मेला के बारे में पढ़ने से पहले, हम थोड़ा सा रमेश चंद्र जी के बारे में जान लेती हैं, उनका जीवन परिचय। तो इनका जन्म जो है वो 15 नवंबर 1937 अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। इनकी भाषा हिंदी थी। इन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध, यात्रा संस्मरण आदि विधाओं में अपनी रचना की है। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पुरवा पर, आखिरी दिन, पुनर्वास तथा आप कहीं नहीं रहते विभूति बाबू, कहानी संग्रह जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर, प्रतिनिधि कहानियां। कविता संग्रह है इनकी कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुझ कुंद को, देखते हैं शब्द भी अपना समय, चाक पर समय, प्रतिनिधि कविताओं का संचयन, वाग देवी पॉकेट बुक्स के अंतर्गत। इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह है रचना के बदले, शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, पढ़ते पढ़ते, स्वधर्म और काल गति तथा हिंदी की दुनिया में, यात्रा संस्मरण है एक लंबी छा, साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार, समालोचना है छायावाद की प्रासंगिकता, समानांतर, शब्द निरंतर, वागर्थ, भूलने के विरुद्ध, वागर्थ का वैभव, जयशंकर प्रसाद, आलोचना का पक्ष, समय संवादी। इनके द्वारा लिखे गए नाटक है मारा जाई खुसरो और मटिया बुर्ज। अनुवाद इन्होंने किया है छंद और पक्षी कैथलीन रैन की कविताओं का हिंदी रूपांतरण अंग्रेजी में। अब इनको जो सम्मान मिले हैं वो है शिखर सम्मान भारतीय परिषद एवं मध्य प्रदेश शाही परिषद से पुरस्कृत, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और व्यास सम्मान। तो ये इनके द्वारा इनको मिले गए सम्मान हैं। तो चलिए अब इनकी रचना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी जो रचना है अकेला मेला, उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले डायरी के बारे में जानते हैं कि डायरी लेखन होता क्या है, उसके बाद हम अकेले मेला डायरी जो है वो जानेंगे। तो नित्य प्रति के व्यक्तिगत लिखित अनुभवों को डायरी की संज्ञा दी गई है। तो व्यक्ति जब अपने अनुभवों को, जो भी वो नित्य प्रति काम करता है, क्रिया करता है, वो उससे जो उसको अनुभव मिलते हैं वो उनको जब लिखित रूप प्रदान करता है, कहीं वो लिखता है, तो उसको डायरी कहा जाता है। इसलिए माना जाता है कि डायरी आत्मगत विधा है, वस्तुगत नहीं। अंग्रेजी का डायरी शब्द लैटिन भाषा डायस से निर्मित है, जिसके संस्कृत में दिवस शब्द प्रयुक्त होता है। इसे दैनंदिनी, दिनचर्या, रोजनामचा और दैनिकी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य में डायरी विधा भी अन्य विधाओं की तरह आधुनिक विधा है। तो जिसकी शुरुआत जो है वो श्रीराम शर्मा की सेवक ग्राम की डायरी से मानी जाती है, जो 1946 में प्रकाशित हुई। इस तरह प्रथम डायरी लेखक श्रीराम शर्मा है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि डायरी में जो है इसकी शुरुआत करने वाले जो है वो है श्रीराम शर्मा। प्रथम डायरी उनके द्वारा लिखी गई है, सेवाग्राम की डायरी 1946 ईस्वी में। तो यहाँ तक हो गई। तो अपनी बहुविधात्मक रचना शैली के लिए ख्यात रमेश चंद्र शाह की डायरी का पहला हिस्सा अकेला मेला नाम से छपकर आया है। इसमें मुख्यतः जो है वो 1980 से 86 तक की एंट्रीज है। तो ये जो है वो ध्यान रखने की चीज़ है कि इसमें जो है 1980 से 86 तक की एंट्रीज है। इस डायरी में भी वे अपने पाठक को वैसी ही यात्रा पर न्योत रहे हैं जिस दौर में शाह ये डायरियां लिख रहे थे। वह उनके लेखन पठन के महत्वपूर्ण वर्ष है। तो जिस टाइम उन्होंने ये लिखी है वो उनके समय के बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है।
तो तारीफ यह है कि वे अपने लिखने की बात पर पढ़ने को तरहीज देते हैं जी दे, इसलिए उनकी एंट्रीज में किसी लेखक या किसी कृति के बारे में जगह कहीं ज़्यादा है। यदि वे जगह हैं जो आलोचना के परंपरित बंधाव में आने से रह जाती है, शाह साहब का आलोचक मन उसे हिसाब में लेता है और किसी कृति को पढ़ना अनुभव के इस धरातल पर खोलने में रमता रमाता है। तो इसमें जो है शाह साहब ने इस डायरी में खुद को नेपथ्य में भले रखा हो, पर अज्ञेय या निर्मल वर्मा सरीखे लेखकों के संग और लेखन का उनके मन पर इन वर्षों में जो इम्प्रेशन रहा है उसे बखूबी उन्होंने अपने दर्ज किया है। तो आपको जो है इस चीज़ की विस्तृत जानकारी दी है कि उसमें जो है 1980 से 86 तक की जो है एंट्रीज दी गई है। तो चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। कवि कथाकार आलोचक रमेश चंद्र शाह की डायरी की अंतर यात्रा में एक प्रकार से समकालीन साहित्यों साहित्य चिंताओं और प्रश्नानुकूल के भीतर से गुजरना है। इस डायरी की पूरी मनन प्रक्रिया साहित्य में अंतर्भूत है। एक समय अज्ञेय ने अपनी कवि मन की भवंती अंतरा शाश्वती और शेषा में डायरी के माध्यम से जो है वो अपने विचार जो है वो अनुभव जो है लिखे थे। उसके बाद एक साहित्यिक की डायरी में हमें यही चीज मिली और इसी अंतर जीवन और अंतरजाल की बनावट का डिटेल लेकर रमेश चंद्र शाह की डायरी अकेला मेला का प्रथम खंड हमारे सामने आया है। तो इसके जो है इन्होंने दो खंड लिखे हैं, एक जो है खिड़की करके कुछ नाम है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, और दूसरी जो है इनकी पहली जो है इनकी अकेला मेला है और दूसरी है इस खिड़की से ऐसे करके कुछ नाम है, वो इनकी दूसरी है। और उसमें 80 के बाद जो दशक की थी रचनाएं वो लिखी है, इसमें 80 से 85 तक की रचनाएं एंट्रीज है। संसार भर में डायरी साहित्य की सर्वाधिक अंतरंग और प्राइवेट किस्म की विधा रही है। एकदम गोपनीय विधा होने के कारण भाषा निबद्ध होकर भाव उस गोपान आंतरिक से विलग होकर प्रकट हो जाता है जो लेखन में रचना के दौरान चल रहा हो। रमेश चंद्र शाह रचना स्वभाव ऐसा होने से वे शब्दों के बीच बौद्धिक व्यायाम में सुख पाते हैं, इसलिए इस डायरी में शाह जी ने साहित्यिक सांस्कृतिक प्रश्नों के चक्र से गुजरते हुए जो विचार संरचनाएं निर्मित की है वे जीवन के मर्मानुभूतियों को जीवन की एक संश्लिष्ट सभ्यता समीक्षा को एक के बाद एक करके वैचारिक आत्मव्यक्ति की ओर ले जाती है। अकेला मेला के सृजनात्मक गद्य को पढ़ते हुए आपको अनुभव होता है कि इस कदर रोचक और विचारोत्तेजक बहसें शाहजी के भीतर से उठकर अनायास बाहर आ रही हैं कि उनके सहृदय संवाद किए बिना रहा नहीं जा सकता। तो डायरी साहित्य में लोग अपने मन की जो विचारधाराएं होती है, जो भी क्रियाएं होती हैं वो करते हैं, उन पर जो अपनी विचारधाराएं उनके अंदर पनपती है उनको वो डायरी में लिखते हैं। तो उनके हृदय में भी बहुत से विचार थे जिनको उन्होंने डायरी रूप दिया है। तो डायरी जो है वो दूसरों के काम, स्पेशली जो लेखक की डायरी होती है वो दूसरों के काम की चीज़ हो सकती है जिसमें अलग अलग रुचियों वाले सामाजिकों का साझा हो सकता है। तो लेखक की डायरी में हमें अलग अलग चीज़ों की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। तो इस डायरी में के अंश में 1980 से 85 के बीच अलग अलग मनःस्थितियों में लिखे गए हैं। तो इसमें उनके 80 से लेकर 85 के बीच जो उनके अलग अलग मनःस्थितियाँ उन्होंने जो कुछ भी झेला या फिर उनके साथ हुआ इसका वर्णन उनके में मिलता है। शाहजी के अंतर जगत पर एक और जयशंकर प्रसाद और अज्ञेय की भारी गूंज है तो दूसरी ओर टीएस इलियट और यीट्स की धमक। मलयज, निर्मल वर्मा, विपिन कुमार अग्रवाल, सर्वेश्वर, विजय देव नारायण साही जैसे मित्र और शिक्षक बार बार बिंब रूप में उधरते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अकेला छोड़कर गायब हो जाते हैं। तो यहाँ उनके जो रचना है अकेला मेला डायरी उसमें उन्होंने बार बार जो है जितने सारे साहित्यकार हैं लेखक हैं उनके नाम दिए हैं कि ये बिंब जो है शिक्षक के रूप में और मित्र के रूप में उनके सामने उभरते हैं,
उनसे बातचीत करते हैं, परंतु बाद में वो उन्हें छोड़ के गायब हो जाते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। इस तरह शाहजी के रचना कर्म और चिंतन के क्लू इस डायरी की समग्र अर्थ व्यंजना में अंतर्व्याप्त है। इसलिए निबंध, कहानी, यात्रा संस्मरण, कृति की तमाम विधाएं मिलकर यहाँ विचार रसायन तैयार करती है। तो इसमें जो है हमें सिर्फ डायरी जो है वो नहीं कह सकते, इसमें जो है मित्र संवाद के संस्मरण कहना भी उचित होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने अपने मित्रों से किस प्रकार बातचीत की है, उन मित्रों से, उन लेखकों के साथ, इसका वर्णन उन्होंने इसमें दिया है। यह अंतर्यात्मा मन की प्रतिक्रिया है और अंतः प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा। पूरा अतीत इस डायरी का वर्तमान है। वर्तमान के सृजन, संकट, भारतीय संस्कृति, दर्शन के भाष्य, कलाओं के दीपक इसमें आलोक दीप्त है। शाहजी ने चौकन्नेपन से उठते हुए अनुभवों की पूरी अंतर्ध्वनि को पकड़ने का इसमें प्रयत्न किया है। वे अंग्रेजी के अध्यापक हैं, तो अंग्रेजी के रचनाकार, अंग्रेजी के विचार वाक्य एक घुमड़ते चले आते हैं, तो उनके विचारों में, उनकी डायरी में अंग्रेजी के विचार भी लिखते हैं। रो में वे इलियट का पीछा नहीं छोड़ते। ये इस डायरी की शक्ति भी और सीमा भी, तो इसमें उन्होंने इलियट के बारे में भी लिखा है। और अकेला मेला में 3 जुलाई 1969 का स्मृति पट जयशंकर प्रसाद के कथन से बुना हुआ है। तो 3 जुलाई 1969 का उनको उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में लिखा हुआ है। दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग दोनों के एकीकरण का यत्न ही साहित्य है। यही वह सूत्र वाक्य है जिसके बीज चिंतन पर शाहजी मुग्ध है। उन्होंने कहा है कि प्रसाद यह बात क्यों इस कदर मर्म को छू जाती है, प्रसाद की उनकी बात जो है उनके मर्म को छू जाती है, उनके हृदय को, इसलिए कि स्वयं प्रसाद के कृतित्व में जो है उन्हें मानवीय अनुभव का समूचा वर्णपट दिखाई देता है। एक और विषाद और वैफल्य की गहन अनुभूति से उपजीवित त्रासद पंक्तियाँ जो हमारे पीछा नहीं छोड़ती। सुखद सुख आहत शांत उमंगे बेगार सांस ढोने में, यह हृदय समाधि बना है रोती करुणा के कोने में। और दूसरी ओर उतनी ही मार्मिक अनिवार्यता के साथ इसके एकदम विपरीत छोर पर आनंद में आत्मा का यह संगीत, मैं हूँ यह वरदान सरीखा लगा गूंजने कानों में की ध्वनि। तो प्रसाद जी की जीवनाभूति, इतना बड़ा फलक, उसकी ऐसी गहराई और उसकी ऐसी उत्तीर्णता रमेश चंद्र शाह को छायावाद की प्रासंगिकता से लेकर आज तक चकित किए रही है। इसके अलावा जो है अगे और विजय देव नारायण शाही, राम स्वरूप चतुर्वेदी और विपिन कुमार अग्रवाल की तरह वे प्रसाद जी से अभिभूत हैं। तो उनकी रचना में प्रसाद की जो है जयशंकर प्रसाद की बहुत ही बड़ाई की गई है। उनके काव्य स्वरूप का वर्णन उन्होंने अपनी रचना में, अपनी डायरी शैली में किया है। इतने अभिभूत की प्रसाद और अगे की तुलना में इलियट और ईट्स का कद बौना दिखाई देता है। तो उनकी डायरी में जो है प्रसाद और अज्ञे की इतनी बड़ी भूमिका लिखी हुई है कि उसके सामने इलियट और ईट्स भी छोटे दिखाई देते हैं। तो यहाँ उन्होंने इलियट को याद करते हुए जो है प्रसाद को लेकर माना कि एक चिंतक की हैसियत से अपनी विरासत का जैसा मंथन प्रसाद ने किया, वह हिंदुस्तानी मन और हिंदुस्तानी इतिहास की जटिलता को समझने के लिए ऐसी दृष्टि देता है जो प्रसाद से पहले हमें उस तरह कहीं नहीं मिलती। तो अकेला मेला पृष्ठ 10 पे यह दिया गया। यह प्रसाद की बेहद अपनी खोज है जो हमारे अनुभव को आलोकित करती है। इस चिंतन के पीछे एक बड़े कवि की जीवनानुभूति है, अपने आत्म साक्षात्कार का बल है। यह मात्र एक आंदोलन की अगुवाई, जीर्णोद्धार करने का बौद्धिक श्रम मात्र नहीं है, इसमें एक खुलापन, पौढ़ापन के साथ ताकतवर आत्मलोचन और मोहमुक्त आस्था का स्वर है। प्रसाद अतीत के मानदंडों से वर्तमान को ठुकराने का रास्ता नहीं निकालते, न कोरे भविष्यवाद में अपने को गर्व करते हैं। मनु पुत्र को निशंक भाव से ईड़ा के हाथ सौंपने वाला कवि जिस मननशील और निर्भय विश्वास से प्रेरित है, वह ना तो यूरोपीय दिस इनहेरिटेड माइंड का इच्छित चिंतन है, न उधार खाते का प्रगतिवाद। उसके पीछे कालिदास की परंपरा का बल है और है ऐतिहासिक बोध संपन्न नए भारतीय मनुष्य का विवेक। तो इस तरह हम पाते हैं कि शाहजी की इस डायरी का श्री गणेश जो है वह
प्रसाद वंदना से होता है। तो यहाँ ही कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखें। तो इसका प्रारंभ जो है प्रसाद जी की वंदना से, यानी उनकी में जो है प्रसाद जो है जयशंकर प्रसाद, उनकी बहुत ही ज़्यादा व्यंजना की गई है, उनकी भावों को, उनकी रचनाओं को बहुत महत्व उनकी डायरी में मिलता है। इस वंदना की व्यंजना यह है कि वे भारतीय चिंतन परंपरा से पश्चिम के सृजन चिंतन पर विचार करती है। और उनकी इस डायरी में जो हमें जहाँ वो जयशंकर प्रसाद की तुलना कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने पाश्चात्य कवियों से वहाँ पे तुलना भी की है कि कौन बढ़ के है। पश्चिम के चिंतन से भारतीय मनीषा पर कीचड़ नहीं उछालते हैं। शाहजी के पास पर्वतीय मुक्त धाराओं से सींचा हुआ मन है। यह मन भोपाल महाशिवरात्रि में 6 फरवरी 1980 से सक्रिय होता है। ईजा और कक्कू मंदिर के भीतर चले गए। मैं सीढ़ियों के नीचे उनकी चप्पलों की चौकीदारी करते बैठा था। मंदिर का विशाल प्रांगण खचाखच भरा था। उस विशाल जन समूह की उठती लहरों ने मुझे छाद लिया। पाँव का जंगल था, वहाँ पाँव का समुद्र, कोमल फूल सरीखे पाँव, जर्जर बीवायों से भरे पाँव, नंगे काले खुरदरे पाँव, गोरे गहनों से अलंकृत पाँव, कमजोर लड़खड़ाते पाँव, फुर्तीले थिरकते पाँव, पाँव का मेला था वह मुझ पर गुजरता हुआ। तो यहाँ पे जो है मैं उनकी रचना में काव्यात्मक का अद्भुत मेल दिखाई देता है। शाहजी जो है विशुद्ध विचारक ना होकर मूलतः जो है कवि कथाकार है। उनके इन दोनों रूप जो है हमें इस गद्य में देखने को मिलते हैं। कवि का वाग दहत्व कल्पना में फूट फट रहा है। अनुभूति का विचित्र अनिवर्चनीय और ढंग और मौन निशब्दता। डायरी में जो है स्मृतियों का खजाना है, जैसे शास्त्रीय संगीत की याद। तो डायरी में व्यक्ति अपने जीवन की जितने भी जो उसने बिता रखे हैं समय उसका वर्णन होता है। तो उसमें उन्होंने शास्त्रीय संगीत के बारे में भी लिखा है। पंडित सियाराम तिवारी ने सुबह सचमुच समा बांध दिया, ध्रुपद धमार कोमल ऋषभ असावरी, उसके बाद छोटी धमार, यशोदा अपने कान को समझाओ जैसे धमार, फिर सुमेरी मेरे निर्बल केवल राम जैसा भजन, मन एकदम मंगल मस्ताना, पंडित को दीप्ति पाता चेहरा कह रहा है, ध्रुपद के बाद ठुमरी जमती नहीं, इसलिए भजन गाता हूँ, इतनी बड़ी चीज को लुप्त नहीं होने देंगे, नए लड़के ठसके से आएंगे गाएंगे यह विश्वास है। 11 अप्रैल से 20 मई तक का डायरी में कोई रोज नामचा नहीं। तो 11 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच जो है वो कोई भी ऐसी बात नहीं है। 20 मई 1980 की स्मृति, उसमें उन्होंने 20 मई को लिख रखा है। कासर देवी से लौटते हुए बाजार में चिरंजी लाल काका दुकान के चबूतरे से चिल्लाए, आओ बैठो, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। वहाँ सुनने को मिला सर्वथा अपूर्वानुमय और अप्रत्याशित। काका ने कहा, तुम्हारे कवित्त कहानी पढ़ जाता हूँ, समझ में नहीं आते, बातें ऊपर ऊपर से निकल जाती हैं, कुछ हमारे जैसों के लिए भी लिखा करो। आज के ज़माने में कालिदास को भी तुलसीदास बनना पड़ेगा। अरे सीधा सच्चा जनता के लिए लिखो और दूध में पानी कम मिलाओ। जनता को आज के रचनाकार की बौद्धिक रचना समझ में नहीं आएगी, वह तो बाजार का जैसा मिलेगा पढ़ेगा। उसने कहा, अब तुम चिल्लाते रहो कि फूहड़ है, गंदा है, हम क्या करें, हमारे पल्ले नहीं पड़ता, तुम हमें पढ़ने का मज़ा नहीं दोगे तो मदारी भड़वे और एक एक रुपए का रंगीन औरतों का फोटो वाले पॉकेट बुक्स देंगे। आदमी को मनोरंजन चाहिए। तो ये जो है वो पृष्ठ 12 पे दिया गया है। इस तरह शाहजी ने सृजन कर्म और पाठक की समस्या पर उसके हृदय में बैठ कर विचार किया है। तो यहाँ उन्होंने पाठकों पर विचार किया, उनको किस तरीके का जो है वो रचना चाहिए। पाठक तभी रचना को ग्रहण करेगा जब भाषा उनके समझ में आएगी। इस तरह साधारणीकरण व्यापार और कवि कर्म की निर्वैतिकता पर यह डायरी बड़े महत्वपूर्ण संकेत लिए हुए है। उसके बाद 9 अगस्त 1980 को भोपाल में एक पुरानी छात्रा मिली। वह 10 बरस से अमेरिका में रहती थी, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, वही पढ़ना चाहती है। मैंने पूछा, क्या लौटकर नहीं आना है, बच्चों का क्या होगा? तो बोली, मैं अपने बच्चों को सर्वव्यापी गंदी गलाजत और दलिद्र दिखा के क्या करूँ, मैं सन्न रह गया सुन के। तो ये जो है वो पृष्ठ 13 पे है।
उसके लिए रूट्स की बात व्यर्थ हो गई। भारतीय संस्कृति भारतीय जीवन पद्धति से सेंटिमेंटल का लगाव या हश्र हुआ। ध्यान आया प्रवासियों को ही क्यों, इस देश के ज्यादातर पढ़े लिखे तेज तर्रार महत्वाकांक्षी लोगों के साथ भी क्या यही विडंबना नहीं जुड़ी है, बल्कि विदेश में उनके ऐसे गुण भी प्रकट होते हैं जिनका यहाँ काम करते बिल्कुल पता नहीं चलता। हम भारतीयों ने अपने गुण वालों की कद्र करना छोड़ दिया है, केवल आत्मद्रोही लालच बचा है। इस तरह के असुविधाजनक प्रश्नों से शाहजी का माथा जो है वो गर्म दिखाई देता है। उन्हें भारतीय संस्कृति के फरेब से घृणा है। उन्हें एक अर्थशास्त्री का भाषापवाद आया कि भारत का शिक्षक वर्ग सिर्फ वेतन बढ़ाने के लिए एकजुट होकर आंदोलन करता है, और वह भी एक ही पार्टी के झंडे तले। इससे ज्यादा शर्मनाक आत्महीन आचरण क्या हो सकता है। समाजवादी साम्यवादी नारे खोखले हैं। गांधी लोहिया मार्क्स जयप्रकाश नारायण की विचारधाराओं का शिक्षा समाज संस्कृति में अर्थ कहाँ बचा है। गौतम बुद्ध और गांधी की खोपड़ी पर उत्तर आधुनिकता की मूर्ता चढ़ रही है। जगह जगह इस डायरी में जो है साहित्य का ढेर लगा है। इस ढेर में कभी मनोहर श्याम जोशी, कमलेश और मलेर झांकते, कभी अगे, जैनेन्द्र, प्रेमचंद, काफा, सार्थ और गोविंद चंद्रदेव पांडे। तो शाहजी जो है मुल्क राज आनंद से भी मिले, उसका वर्णन भी जो है उन्होंने अपनी रचना में किया है। तो मुल्क राज जो थे वो यहाँ के बुद्धिजीवियों से बहुत नाराज दिखे। जैनेन्द्र को वे पसंद तो करते थे, पर उनके पत्र उपन्यास जो है त्याग पत्र को नहीं। तो शाहजी की इस डायरी के जो असली हीरो कहे जा सकते हैं वो दो है, अगे और निर्मल वर्मा। अगे के शब्द पर वे रीझे हुए हैं और निर्मल वर्मा उनके सखा मित्र हैं। तो ये भी पॉइंट जो है देखने वाला है कि इसमें अगे और निर्मल वर्मा जो है वो असली हीरो है। दोनों साहित्य के अनेक पक्षों पर घंटों वाद विवाद करते हुए यहाँ मौजूद हैं। दोनों को संगीत में डूबे आदमी का एकांत चाहिए। दोनों इलियट लिविस और बेंजामिन के साहित्य पर विचार करने में आनंद का अनुभव करते हैं। 20वीं शताब्दी की चिंताओं को समझने के लिए दोनों वाल्टर बेंजामिन की ओर मुखाबित हैं। यहाँ निर्मल वर्मा ने सवाल खड़ा किया कि क्या कारण है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध की महत्वपूर्ण कविता तो अपने समय की सारी उथल पुथल बौद्धिक उथल पुथल को प्रयोगशीलता के बूते पर घुला सकी, पहचा सकी, अपनी नई से नई और जटिल से जटिल संरचनाएं खड़ी कर दी, जैसे इलियट का वेस्टलैंड या पाउंड का कंटोज। मगर आज सदी के उतार पर जब जानकारियों का आतंक कई गुना बढ़ता जा रहा है, तब उसका वैसा जवाब दे पाने में कविता असक्षम प्रतीत होती है। इस विचार में शाहजी को दम दिखाई देता है। तो अपनी डायरी लेखन शैली में उन्होंने बड़े बड़े रचनाकारों को उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों ने जो है इस डायरी शैली में उन्होंने लिखी है और इसको अनोखा रंग दिया है। यह तो शाहजी का बहुपठित ज्ञान भंडार है जो अगे पर डस्पेंसी को गुरफियस का प्रभाव खोज मिलता है। तो यह जो है एक सच्चे बहुश्रुत बहुपठित रचनाकार और आलोचक की एकाग्र समाधि में लिखी गई डायरी है, जो हिंदी डायरी लेखन की अगे निर्मल वर्मा मलेज की परंपरा को आगे बढ़ाती है। तो यह डायरी में एक नया प्रयोग है, एक बहुत ही मनोरम प्रयोग। इस मनोरम प्रयोग में बैठकर हम साहित्य की दुनिया का अपूर्व रस पा सकते हैं। शाहजी में तर्क भाव कम, जिज्ञासु भाव ज्यादा है और गांधी के हिंद स्वराज का वैचारिक स्वराज। ये डायरी जो है उनकी समग्रता में ये डायरी बहुत सृजनात्मक है, हमारे चिंतन को मांजती है और साहित्य बोध से परिचय कराती है। तो इसमें जो है केवल हमें सिर्फ एक डायरी के स्वरूप नहीं, इसमें हमें अनेक कवि लेखकों के बारे में उनके विचार आदि जो है इस डायरी में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पर जो है जितना विस्तृत तो शॉर्ट में जो है जितना मिल सका इस डायरी के बारे में आप सभी को बता दिया। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।